राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से, मेरी राधा रानी की कृपा से सब ठीक होंगे। और ये देख सको, देखो सभी, मेरी राधु कितनी प्यारी लग रही है। देखो, आज मैंने कुछ इस तरह के राधु के बाल बनाए हैं। देखो कितनी सुंदर लग रही है राधु। तो आपको पता ही है राधु बहुत सुंदर हैं। और ये कुछ शाम की पूजा थी तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लेते हैं। और केशव बैठे हैं इधर, और मैं केशव और सभी को अंदर लेकर के जाऊंगी क्योंकि मंदिर में बहुत गर्मी हो रही है। ये देखो, ये लाइटिंग वगैरह है सब, तो इससे भी हो रही है कुछ गर्मी है ही बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अंदर लेके जाना है। और राधु इस तरह से सुंदर सुंदर सी दिखती है, प्यारी प्यारी। राधु से मन नहीं करता है कैमरा हटाने के लिए, आपको पता ही है। बहुत प्यारी लग रही है राधु। ये सुंदर दिख रही है। ये देखिए लड्डू को, लड्डू लड्डू को फेस बिल्कुल अंधेरे में हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ी पगड़ी लगी हुई है लड्डू के, मेरे लड्डू के बहुत बड़ी पगड़ी लगी हुई है इसलिए। और ये तो आपको पता ही है, हमारे सरकार आए हैं जब से, सरकार तो है ही बहुत सुंदर वैसे भी। और ये देखिए कॉटन के कपड़े पहना रखे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है इसलिए। लड्डू बैठे हैं। और ये मेरी माता रानी हैं जो कि बहुत ही प्यारी हैं। ये देखो, बहुत सुंदर सी माता रानी है मेरी। आज मैंने माता रानी के लिए नथ पहनाई है, तो ये देखो माता रानी ऐसी सुंदर सी दिख रही है। और अब मैं सभी को प्रभु को भोग लगा दूंगी क्योंकि खाना बन रहा है। खाना बनने के बाद मैं और ये राधु और केशव दोनों बैठे हैं, बहुत प्यारे से लग रहे हैं दोनों। ये गार्डन की तरफ बैठा रखा है इनको, तो गार्डन में दिया भी रख दिया है मैंने। यहाँ बहुत गर्मी हो रही थी और अजीब सा लग रहा था तो इसलिए मैंने, और ये वाली लाइट भी बंद कर दूंगी अब मैं, तो बहुत गर्मी है। आप राधु को देख ही सकते हो, राधु को मैंने इस तरह की चंद्रिका लगाई है आज, ये बहुत प्यारी लग रही है आज। और केशव हैं, सभी तैयार हैं, खाना बनने वाला है अब। मैं इनको खाना और दूध दोनों ही पिला के और अंदर लेकर के जा रही हूँ क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। पंखा चल रहा है लेकिन क्या नाम है, इन्हें अंदर बिठाना है एसी में। हम जहाँ पे रहते हैं वहीं हमारे केशव, लड्डू और श्री जी मेरी वहीं रहती हैं जहाँ पे हम रहते हैं लोग, सभी बच्चे वगैरह। तो मेरे सारे ये मंदिर में बैठे हैं प्रभु, तो ये तो इधर ही रहेंगे। और लड्डू भी जाएंगे अंदर क्योंकि लड्डू मेरे सबसे छोटे लड्डू हैं, उम्र में तो मेरे लड्डू ही बड़े हैं। वैसे तो आपको सही बताऊं तो मेरे लड्डू बड़े हैं क्योंकि
लड्डू को हो गए मेरे को, लड्डू को हो गए 12 साल कंप्लीट हो गए। मेरे पास 12 साल से थे ये लड्डू, 12 साल कंप्लीट हो गई है उसमें जनवरी में, और अब 13वीं साल चल रही है लड्डू को। और राधु पिछले साल आई थी फरवरी में, और केशव उससे पिछले जन्माष्टमी पर आए थे, तो अब इनका ये बड़े तो मेरे लड्डू हैं सबसे। बांसुरी को मैंने चीनी का पराठा बना है, तो मैं इनको भूख लगा दूंगी। दूध भी है इनका, सब कुछ है। ये देखो एक चीनी का पराठा है और ये दूध है। अब मैं ये चीनी का पोट है इनका, ये देखो चीनी है इसके अंदर, तो मैं इसमें दूध में चीनी डालूंगी। मैं इनको खाना खिला देती हूँ, और लड्डू के तो मैंने श्रृंगार हटा दिया है, अब मैं केशव का भी हटा दूंगी क्योंकि इनको खाना खिलाना है। ये राधु राधु बैठे हैं वो, ये देखिए। और कल मैं अपना फेस यूट्यूब के आगे लेकर के आऊँगी सामने आप सभी के, तो कल मैं वीडियो में आने वाली हूँ, शॉर्ट्स में भी आऊँगी और बड़ी वीडियो में भी आऊँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आना चाहिए। तो मेरी राधा रानी के आगे मैं ज़रूर आऊँगी साथ साथ में। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप सभी को? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।